नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। कल SST का एग्जाम है तो उसमें आपको पता होगा एक क्वेश्चन 5 मार्क का मैप के लिए आएगा, ठीक है। वो भी दो पार्ट में होगा, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में क्या होगा कि मैप के अंदर कुछ पॉइंट, दो एक या दो पॉइंट दिए हुए होंगे, उनको आपको पहचानना होगा और उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया भी गया होगा। और बी जो पार्ट होगा उसमें पॉइंट आपके पास होंगे और आपको लोकेट करना होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये आप मैप देख रहे होंगे, इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, तो यहाँ पर दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक ए और दूसरा पॉइंट है बी, और उसकी थोड़ी सी हमें आउटलाइन दी हुई है कि वो प्लेस जहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड हुआ था सितंबर 1920 में, तो आपको पता होगा ये कोलकाता में हुआ था। तो ए पार्ट ये लिखा हुआ होगा और कोलकाता आपको लिखना होगा। दूसरा है प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ, आपको नमक कानून खूब पता होगा। तो गांधी जी ने जो है वो दांडी एक जगह है, ये पॉइंट देखो यहाँ पर, ये आपको दांडी लिखना है। तो यहाँ पर पहले मैप के पहले पार्ट में नाम लिखने हैं आपको, और उसके लिए आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट जो होगा वो होगा कि आपके पास ये 5 पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें से कोई 3 लोकेट करने हैं। अब आपके बारी आपको लोकेट नहीं आएगा। जैसे पहला है अजमेर माइका माइन, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है वो अजमेर माइका माइन के लिए आपको बताना है। तो अजमेर जो माइका माइन है वो यहाँ पर है राजस्थान में, आपको पता ही लग रहा होगा अजमेर राजस्थान में है, तो आपको डॉट लगाना है और यहाँ पर अजमेर माइका माइन लिखना है। सेकेंड पार्ट है मैसूर सिल्क टेक्सटाइल सेंटर, तो जो सेकंड पार्ट है वो मैसूर सिल्क टेक्सटाइल सेंटर आपको यहाँ पर है, यहाँ पर आपको डॉट लगा देना है और फिर ये लिख देना है। तीसरा है आपका विशाखापत्तनम सी पोर्ट। तीसरा जो थर्ड पार्ट है विशाखापत्तनम सी पोर्ट, आपको पता ही होगा यहाँ पर विशाखापट्टनम है ये, तो यहाँ डॉट लगा के यहाँ पर ही नाम लिख देना है। चौथा है इंदौर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो जो फोर्थ पार्ट है वो है इंदौर, तो इंदौर जो है आप देखिए विशाखापट्टनम, मैंने इंदौर आपको पता ही है एमपी में, तो इंदौर मैंने ही बता दिया। अब उसके बाद में है आपका लास्ट फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सोयल, तो फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सोयल आपका यहाँ पर है और यहाँ पर ये लिख देंगे। इस तरीके से आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, प्लेस फ्रॉम वेयर नो टैक्स कैंपेन वॉज स्टार्टेड, तो ये है आपका बरडोली। दूसरा है द प्लेस वेयर 1927 सेशन इंडियन कांग्रेस टुक प्लेस, तो वो है आपका मद्रास। दूसरा जो है अब की बारी आपको खुद लोकेट करना है, इनमें 5 में से कोई 3 लोकेट करना है। एरिया ऑफ फॉरेस्ट एंड माउंटेन सोयल, तो आपको पता है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सोयल का ये एरिया है, ठीक है। फिर दूसरा है हेलिडा पोर्ट, हेलिडा पोर्ट जो है सेकंड पार्ट में ये है हेलिडा पोर्ट, यहाँ पर है, ध्यान रखना है, थोड़ा सा डॉट लगा के आपको भी दिखाना है। दूसरा है रावत, तीसरा है आपका सरदार सरोवर डैम, तो सरदार सरोवर डैम तो आपको खूब अच्छे से पता ही होगा, ये सरदार सरोवर डैम है, आप एरो लगा के कहीं भी लिख सकते हो वैसे। चौथा है रावत भट्टा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो रावत भट्टा न्यूक्लियर प्लांट जो है वो है फोर्थ पार्ट, ठीक है ना, तो ये फोर्थ पार्ट है, डॉट ये लगा हुआ है और यहाँ पे आप कहीं भी लिख सकते हो, इस बात की चिंता मत करना, डॉट सही जगह पर होना चाहिए। और फिफ्थ है आपका विजयनगर आयरन एंड स्टील प्लांट, तो वो विजयनगर आयरन एंड स्टील प्लांट ये है। तो इस तरीके से आपका जो है ये मैप जरूर करना है, इसी तरीके से 2-4 मैप और देख जाना 100%। ये 5 नंबर तो 5 ही मिनट भी लेते नहीं है, तो इन 5 नंबर को लेकर जरूर आना। आप सभी के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और फिर आगे के लिए आगे का प्लान बनाएंगे। मेरे साथ जरूर बने रहिएगा क्योंकि मैं आगे के लिए आपको और अच्छे भविष्य के प्लान तैयार करेंगे, 11th के प्लान तैयार करेंगे और आंसर्स डालेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।